टू माई चैनल भारतीय लाइफ स्टाइल विद कुकिंग। सो आज मैं काबुली चने का छोले बनाने जा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए चलते हैं बनाने। काबुली चने को बनाने से पहले 8-10 घंटे भिगो के रखना पड़ता है जिससे ये अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये काबुली चने को रात में भिगो के रखा है और करीब इसे 10 घंटे हो गए भिगो के, तो देखिए इस तरफ फूल जाएगा। और इसे कुकर में डाल के काबुली चना जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है ताकि हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। तो अब हम इसमें एक कॉटन का क्लॉथ लेंगे, सफ़ेद ही लेना है, कोई कलर वाला नहीं लेना है, और उसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। सो यहाँ पे मैंने 7-8 काली मिर्च और लौंग, 2 दालचीनी लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चाय पत्ती 4-5 चम्मच, जिससे कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और उसमें कड़े मसाले डाल के हमें पोटली तैयार कर लेनी है। तो ये कपड़े को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह टाइटली हमें गांठ मार लेनी है, अदरवाइज जो भी चाय पत्ती है वो बाहर गिरेगा, बाहर निकलेगा, तो हमें ग्रेवी का जो पानी है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमें अच्छे से पोटली को बांध लेनी है। तो ये पोटली तैयार है, अब हम इसे कुकर में डाल देंगे एज इट इज़। और यहाँ पे मैंने तेजपत्ता 2-3 लिया है और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार 2 चम्मच, बाद में हमें ग्रेवी में भी ऐड करना है इसलिए यहाँ पे कम डाल दीजिए ताकि जो चने हैं वो थोड़ा नमकीन हो जाएंगे और जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी आएगा। और इस कुकर को 4-5 विजल आए तब तक हमें पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई फ्लेम पे 4-5 विजल तक पका लिया। अब हमें एक पैन लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें थोड़े से कड़े मसाले डालना है, तेजपत्ता, दालचीनी और थोड़े से काली मिर्च और लौंग। अगर आपको और खड़े मसाले पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के प्याज और 2 टमाटर कट करके लिया है। प्याज हमें ज़्यादा ही लगेगा तो ये प्याज हमें कढ़ाई में डाल के भून लेना है गोल्डन कलर आए तब तक। तो इसे ढक कर करीब मैं 5 मिनट तक पका लूँगी धीमी आँच पे। तो यहाँ पे हमारे चने उबल चुके हैं, तो देखिए इसका कलर, और जो पोटली है हमें उसे निकाल के साइड में रख लेना है, अब इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए चने कलर भी आ चुका है और थोड़ा सा पक चुका है, तो हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चापन होना चाहिए, यानी 5 विजल तक आपको पकाना है क्योंकि ये बाद में ग्रेवी में भी पकेगा। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भून चुका है। सो यहाँ पे की आंच देखिए किस तरह से टमाटर खा रहा है कच्चा। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो ये मेरे साथ किचन में ही रहता है, पता नहीं ये खिलता क्यों नहीं है। सो हमारा यहाँ पे प्याज भून चुका है, यहाँ पे हमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है 2 टीस्पून और हल्दी 1 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए मैंने, इसमें ग्रेवी में प्याज और टमाटर ज़्यादा ही लगेगा, और नमक थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, तो ये ऑप्शनल है कसूरी मेथी, अगर आप डालोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसे करीब ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे हम। तो ये हमारा थोड़ा सा पक चुका है टमाटर, हमें इसमें थोड़ा सा धनिया डालना है, आधा मैं अभी डाल रही हूँ और आधा बाद में गार्निशिंग में डालूंगी। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, गरम मसाला और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच, और यहाँ पे छोले मसाला डालना है 1 चम्मच। छोले मसाला जरूर डालना है क्योंकि उससे ही बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है तो ये अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ही अब मैं इसे धीमी आंच पे करीब 1 मिनट के लिए पका लिया है। तो देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुका है, और अब हम इस टाइम पे जो कुकर में हम लोगों ने बॉईल करके रखा है चना, तो वो पानी के साथ हमें इसमें ऐड करना है क्योंकि वो ही पानी हमें टेस्ट अच्छा लाएगा।
सो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिए ऑलरेडी हम लोग ने ग्रेवी में और कुकर में भी डाला था, और अभी ढक के करीब 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको ग्रेवी कम लगा तो आप पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी बराबर है। लास्ट में धनिया डाल के ढक के पका लेना है 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए चना अच्छे से पक चुका है, तो हमारा छोले रेडी हो चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए टेस्टी टेस्टी छोले रेडी हो चुका है, आप भी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो को अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।